लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की आपस में ही भिड़ंत हो गई है। जी हाँ, दोनों में खूब तुतुमय शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी नेता अपनी अपनी बयानबाजियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से भी एक बयान आया जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर था। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान आने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी की। उस टिप्पणी के जवाब में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी सोशल मीडिया मैदान में कूद पड़े हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही लालू की बेटी रोहिणी को जवाब दे रहे हैं। देखिए, पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा था और उसके जवाब में फिर दिखाएंगे आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या लिखा है। फिलहाल देखिए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट। संजय जायसवाल धूर्त दिमागी तौर से अपाहिज आदमी, भूल गया 2005 में तुमको राजनीतिक जीवनदान आरक्षण किसने दिया? लालू जी ने। तुम जैसे बहुत से दो मुहे नाग को दूध पिलाया और जीवनदान दिया है, वैसे आज नागपंचमी है, सभी को बधाई। यही इस ट्वीट के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई थी और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखिए क्या कुछ लिखा है। संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है, अगर आपका घर हराम और लूट के पैसों से बना हुआ हो तो आप बच्चों को विलासितापूर्ण जीवन अवश्य दे सकते हैं पर संस्कार नहीं दे सकते। ऐसे बच्चे नफरत के नहीं बल्कि दया के पात्र हैं, क्योंकि उनका लालन पालन जिस तरह की राशि से हुआ है उसी तरह की मानसिकता वह समाज के सामने रखेंगे। इसमें उनका नहीं बल्कि उनके माता पिता का दोष है जिन्होंने हराम के धन से बच्चों को पढ़ाया। इसलिए ऐसे बच्चे या तो पढ़ नहीं सके या फिर सत्ता के बदौलत मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद बच्चों में अच्छा संस्कार नहीं आ सका। देश में पले बढ़े ऐसे बच्चों से मुझे पूरी सद्भावना और हमदर्दी है। तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट के जवाब में संजय जायसवाल का यह ट्वीट सामने आया है। हालांकि वो बात अलग है कि संजय जायसवाल ने बचाव करते हुए अपने बातों को रखा है, लेकिन बात तो यह है कि आखिरकार संजय जायसवाल को नसीहत लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो दी है क्या वो हकीकत है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ किस्सा 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। किसी कारणवश डॉक्टर संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल ने बीजेपी छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया था। आरजेडी के टिकट पर बेतिया विधानसभा क्षेत्र से 2005 में चुनाव लड़े थे। इनके खिलाफ में बीजेपी ने रेणु देवी को टिकट दिया था और जीत भी रेणु देवी को ही मिली थी। तो वहां पर भी संजय जायसवाल का वो पहला चुनाव था। संजय जायसवाल के पिता यह चाहते थे कि बीजेपी टिकट बल्कि हमारे बेटे को दे, संजय जायसवाल को दे विधानसभा का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ा था। अब उसी बातों को दोहराकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की राजनीति को एक नई गर्म हवा दे दी है। देखने वाली बात है कि यह हवाएं कब थमती है, क्या कौन किसके ऊपर कब आरोप लगा दे, यह तो अब राम ही जाने। फिलहाल बिहार की राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। देखने वाली बात है और क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।